तो सोलन के परवाणु में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास की। इस मौके पर जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी भी मौजूद रहे। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और भारी भीड़ को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता हरमेल धीमान ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने भीड़ दिखाने के लिए परवाणु के उद्योगों से छुट्टी दिलवाकर जनसभा में बुलाया था। देखो, जो भीड़ की बात है, भीड़ तो ना त्रिदेव दिखे, ना पन्ना प्रमुख दिखे, सिर्फ फैक्ट्रियों से छुट्टी करवा के कैंटरों में भर भर के फैक्ट्रियों से लेबर को इकट्ठा करके भीड़ जुटाई गई है, जिसका सब दुनिया देख रही है कैसे भीड़ जुटा रहे हैं। अगर गांव के लोग होते तो अच्छा लगता, सीएम तो आपको भी अच्छा लगता। अब तो 4.5 साल कहीं मिले नहीं, गिले नहीं, अब एकदम से कहां से लोग मिल जाएंगे, कहां से लोग आएंगे। तो आपने सुना कि हरमेल धीमान, जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि उद्योगों के लोगों को बुलाया और सीएम की जनसभा में कांग्रेस के माफ कीजिएगा बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए, पन्ना प्रमुख नहीं पहुंच पाए और भीड़ जुटाने के लिए जबरदस्ती उद्योगों से कर्मचारियों को बुलाया गया। ये तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं, परवाणु की। जब सीएम जयराम ठाकुर कल यहाँ पर पहुंचे थे, कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से किया गया था। इसके बाद वो शिमला के लिए रवाना हुए। शिमला में भी कल सीएम ने ताबड़तोड़ तोहफे शिमला वासियों को दिए। तो सोलन की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब हरमेल धीमान, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, उनकी तरफ से सवाल इन तस्वीरों को लेकर खड़ा किया गया। कहा कि उद्योगों से जबरदस्ती लोगों को बुलाया गया है, कर्मचारियों को बुलाया गया, लेकिन सीएम की जनसभा में बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर पन्ना प्रमुख, ग्राउंड पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं, वो नहीं पहुंच पाए। आरोप यहाँ पर लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब देखना यह होगा किसका जवाब बीजेपी किस तरह से देती है। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए, परवाणु की तस्वीरें हैं, जब सीएम जयराम ठाकुर ने कल कई बड़े तोहफे परवाणु के लोगों को, कसौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिए थे। और इसी के बाद सीएम जयराम ठाकुर शिमला के लिए भी रवाना हुए। करण नंदा, बीजेपी मीडिया सह प्रभारी, इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए फिलहाल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। करण नंदा जी, हरमेल धीमान, जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनकी तरफ से सीएम के परमाणु दौरे को लेकर कहा गया कि उद्योगों से कर्मचारियों को जबरदस्ती बुलाया गया, लेकिन पन्ना प्रमुख या ग्राउंड पर जो आपके कार्यकर्ता होते हैं वो वहां पर नहीं पहुंचे। देखिए, मौका परस्त लोग जब दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इस प्रकार की अनलगड़ बयानबाजी करके जनता को भटकाने की कोशिश करते हैं। अपना वर्चस्व खोए हुए नेता अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पर एक ईमानदार छवि के व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार के लांछन लगाना उनके लिए ठीक नहीं है। और उनकी जितनी भी मानसिक सोच है वो सामने निकल कर आती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसके ऊपर बूथ के ऊपर इतने कार्यकर्ता है। आज भी जगह जगह हमारे ग्राम केंद्र प्रमुख के सम्मेलन हो रहे हैं, एक एक जिला में जो है हमारे हजारों प्रकार के जो है वो बूथ के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे पन्ना समिति के सदस्य हो, बूथ अध्यक्ष हो, बीएलए हो या आपका बूथ पालक हो, उन सबने उस रैली में हिस्सा लिया था। अगर उन लोगों को ये नहीं दिखता कि बीजेपी का कार्यकर्ता उस रैली में आया तो कौन आया है? आज के समय में इतना समय किसी उद्योगी में काम करने वाले व्यक्ति के पास नहीं है कि वो एक मुख्यमंत्री को सुनने के लिए आए। जी बने रही आप हमारे साथ। हरमेल धीमान खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जिनकी तरफ से बयान दिया गया है। हरमेल धीमान जी, आपने सुना करण नंदा ने कहा कि उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के पास इतना समय नहीं होता, वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता थे, आपने ऐसा बयान क्यों दिया? आप उनसे ये पूछिए कि माइक्रो टर्नर से कितने बच्चे आए उनके पास, माइक्रोटेक जो कंपनी है वहां से कितने वर्कर वहां पे गए हैं। पहले इन्होंने 30-30 बंदे हर एक कंपनी से मंगवाए। ठीक है, जवाब दे दीजिए करण नंदा जी, कह रहे हैं कि आपने 30-30 जो उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी उनको बुलाया। देखिए, लांछन तो कोई भी लगा ले, क्या वो क्या माइक्रोटेक की टी शर्ट पहन के बैठे थे या पट्टी का लगा के बैठे थे? अब आप किसी भी व्यक्ति को बोलो कि ये व्यक्ति उस कंपनी से जुड़ा है, उसका कोई आधार तो है नहीं। अगर प्रमाण के साथ ये लांछन लगाना चाहते तो प्रमाण सामने लेके आए, मुझका जवाब देंगे।
पर इनके पास प्रमाण है नहीं। एक भीड़ में अगर मैं आपको बोलूं कि ये कांग्रेस के लोग आए हैं तो आप मान जाएंगे। आम आदमी पार्टी में पंजाब के लोग आए थे तो हमने बोला कि पंजाब के लोग आए थे क्योंकि वो पगड़ी लगा के सरदार दिख रहे थे, इतनी सरदार की पॉपुलेशन नहीं है। पर इनके पास कोई आधार तो होना चाहिए। बिना आधार के बयानबाजी करना ना तो एक नेता को शोभा देता है ना एक शोभनीय राजनीति। ठीक है, जवाब ले लेते हैं हरमेल धीमान जी से। आप इनसे पूछे कि ये जो कल की रैली थी इसमें क्या माइक्रोटेक? हरमेल धीमान जी आप जवाब दीजिए कि किस आधार पर आपने ये कहा कि उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी थे? हमारे पास जो वर्कर वहाँ काम कर रहे थे उन्होंने हमारे को बताया ये बात कि पहले इन्होंने बोला कि 30-30 बच्चे हर एक वर्कर हर एक कंपनी से 30-30 बंदे भेजो आप। फिर उन्होंने बोला कि जब इनको लगा कि कम भीड़ आएगी तो इन्होंने बोला कि आप हाफ डे छुट्टी करो, वहां से बंदे को कंपनी बंद करके वहां से बंदे भेजे, बंदे लेके गए कैंटरों में लेके गए बंदे वहां से, एक हर एक जगह बंदे खड़े थे। तो अगर हमारे को ऐसा होता तो हम उनसे पूछ भी लेते हैं, हम इंटरव्यू ले लेते बच्चों की उस टाइम। ठीक है, करण नंदा पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई प्रमाण है इस चीज का? प्रमाण तो आप माइक्रोटेक कंपनी से पता करते हैं आपको कि कितने बंदे गए उनके। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह से जारी है। अब चूंकि बीजेपी की तरफ से जनसभा यहां पर की गई थी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं और इसी तरह से प्रदेश भर में चर्चाओं का दौर तेज हो चुका है।